नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों, यदि आप लोगों के एरिया में बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और आप लोग परेशान हैं कि हम हमारे कोकाटेल को गर्मी से कैसे बचाएं और लू लगने से कैसे बचाएं, तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। कैसे हम हमारे कोकाटेल को इस गर्मी से बचा सकते हैं, कैसे हम लू लगने से हमारे कोकाटेल को बचा सकते हैं और कैसे हम हीट स्ट्रोक की समस्या का निवारण कर सकते हैं, आज के वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गर्मियां बहुत ज़्यादा भीषण शुरू हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ चुका है। अब जो भी जिन्होंने भी कोकाटेल्स रख रखे हैं या अन्य बर्ड्स रख रखे हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में हमारे बर्ड्स में हीट स्ट्रोक की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है और साथ ही साथ में लू लगने की भी समस्या रहती है। तो दोस्तों, ऐसे क्या क्या उपाय हैं जिनसे हम हमारे बर्ड्स को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं, साथ ही साथ में लू लगने से बचा सकते हैं और होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जहाँ हमने बर्ड्स रख रखे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि वेंटिलेशन कैसा है। वेंटिलेशन की अगर जो हम बात करें तो खुली खुली जगह पे, जैसे दो तरीके के हम बर्ड्स रखते हैं, एक इंडोर में रखते हैं, एक आउटडोर में रखते हैं। यदि आपने इंडोर में रख रखे हैं तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हवा बिल्कुल आसपास बिल्कुल सही होनी चाहिए, पूरी तरीके से कमरा बंद नहीं होना चाहिए और उनमें किसी न किसी प्रकार की हवा की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे पंखा वगैरह चलता रहना चाहिए, जिससे हमारे बर्ड्स को हीट ना लगे। दूसरा, यदि आउटडोर में दोस्तों आप लोगों ने बर्ड्स रख रखे हैं तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनको धूप डायरेक्ट ना लगे, डायरेक्ट कोई हवा ना लगे, बाहर की दिन की हवा कोई भी ना लगे, जिसे हम लू कहते हैं। लू उनको बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, हमें किसी चीज़ से कवर कर देना है ताकि उनके ऊपर धूप ना आ सके और साथ ही साथ में उनके आसपास में ठंडक रखनी है और वेंटिलेशन का हमें ध्यान रखना है, हवा अच्छे से पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं हमारे बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है? दोस्तों, जब भी हमारे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आप दिन के टाइम पर नोटिस करेंगे कि जब वो स्टिक पर बैठा होगा तो वो अपनी मुँह खोल के सांस ले रहा होगा। दोस्तों, यदि बर्ड्स आपका ऐसा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और आप लोगों को उपाय करने होंगे गर्मी से बचाने या राहत देने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, हमें हमारे फूड में बदलाव करना है। हमें हमारे बर्ड्स को ऐसे फूड प्रोवाइड कराने हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। जैसे हम सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, ग्रीन फूड दे सकते हैं, इसके अलावा अभी जो सीजनेबल फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, आप ये सब अपने बर्ड्स को डाइट में दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन फूड दे सकते हैं आप, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं आप अपने बर्ड्स को जरूर प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को आपके बर्ड्स के जब भी पानी देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोल घोल के देना है। यदि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपका बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहा है तो आप लोगों को आपके बर्ड्स को इलेक्ट्रोल का पानी पिलाना है। इलेक्ट्रोल ना हो तो आप ORS भी दे सकते हैं। ORS ना हो, अगर जो आपके पास इमरजेंसी है, तो आप नमक और चीनी को थोड़ी मात्रा में लेके, बिल्कुल कम मात्रा में लेके और उसको घोल के पानी के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सप्ताह में एक आध बार गुड़ का पानी भी दे सकते हैं, उससे भी आपके बर्ड्स की शरीर में तरोताजगी बनी रहेगी और उसका बर्ड्स का शरीर ठंडा बना रहेगा, उसके अंदर ठंडक बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने बर्ड्स के अगर जो केज है, आपके बर्ड्स में कॉलोनी है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दिन के समय में आप अपने बर्ड्स के ऊपर पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे भी हमारे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ठंडक और राहत मिलती है। और खाने का विशेष ध्यान रखना है, कुछ ऐसी सीड्स हमें प्रोवाइड नहीं करानी है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ऐसी सीड्स हमें बिल्कुल नहीं देनी है। दोस्तों, सीड्स को आप अभी अवॉइड कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को ग्रीन फूड पर रखिए, सॉफ्ट फूड पर रखिए। मल्टीविटामिन का भी प्रयोग अभी कुछ समय के लिए आप ना करें अपने बर्ड्स पे, क्योंकि मल्टीविटामिन की भी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप उसका प्रयोग भी अभी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हमारे बर्ड्स को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराएं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जिससे उनमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब
या आप देख रहे हैं कि आपका बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो इलेक्ट्रोल का प्रयोग जरूर करें। इलेक्ट्रोल का पानी जरूर उनको दें ताकि उनके शरीर में ग्लूकोज की पूर्ति होती रहे और उन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा ना रहे। दोस्तों, आप लोगों को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड ज़्यादा से ज़्यादा कराना है इस समय, जिसमें पानी की मात्रा अत्यधिक रहती है और हमारे बर्ड्स के पानी की पूर्ति भी होती रहती है। और मेडिसिन को अभी अवॉइड करें और कोशिश करके, यदि आप लोगों ने मटकी या बॉक्स लगा रखा है तो उसको हटा दें और बर्ड्स को सिंपल रहने दें। यदि मटकी या बॉक्स लगा कर रखेंगे और बर्ड्स उसमें बैठता है तो उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी और इससे बर्ड्स के मरने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।